Hello everyone, this is Sarish Mushtaq from Pro Chef at Home. Welcome to my kitchen, the Pro Chef at Home kitchen. आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाने वाली हूँ चना चाट, जो कि क्रिस्पी और स्पाइसी होने वाली है बहुत ही। इसी के साथ मैं आप सबको बना के दिखाऊंगी इसके साथ जो यूज होते हैं इमली की चटनी, हरी चटनी, मीठी दही और बहुत ही स्पेशल सा चाट मसाला। तो चले चलते इसको बनाने की तरफ। तो ये है हमारे चना चाट क्रिस्पी एंड स्पाइसी, जो कि हम लोग अभी रेडी करने वाले हैं। तो चले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स की। मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉइल्ड चिक्स, स्पेशल चाट मसाला, टमाटो, ग्रीन चटनी, टैमरिंड चटनी, अनियन, और मैंने यहाँ पे लिए पापड़ी, जिसका कि मुझे इंग्लिश में नाम नहीं आता, मुझे पता नहीं है। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ग्रीन रायता, बॉइल्ड टोमेटो और स्वीट योगर्ट। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इमली की चटनी। टैमरिंड पर्ल, क्यूमिन सीड्स, क्रश चिली, शुगर, सॉल्ट और ग्रीन चिली। तो चलें मेथड की तरफ चलते हैं। एक कप इमली का पल, दो से तीन हरी मिर्चें, एक छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, एक छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच चीनी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमने इसको कुक करना है, यानी कि इसको पकाना है। सारा ब्लेंड हुआ जो मसाले हैं जो मैंने ब्लेंड कर लिए, हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको दो से तीन मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना। अगर आप लोगों को चीनी वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चीनी या उसकी खटाश या मिठास कम या ज़्यादा लगे तो आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको दो से तीन मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। जैसे ये थोड़ी थिक होना शुरू हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारी जो इमली की चटनी है वो रेडी हो गई है। और ये देखें, अब ये हल्की हल्की सी थिक होना शुरू हो गई है। तो ये लीजिए, हमारी इमली की चटनी रेडी है। खट्टी मीठी सी होती है ये, बहुत ही मज़ेदार की होती है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। तो चले चलते हैं, अब बनाते हैं हरी चटनी। फ्रेश कोरिएंडर, मिंट, लेमन जूस, सॉल्ट, जिंजर, ब्लैक सॉल्ट, ग्रीन चिली और चाट मसाला। ब्लेंडर का जग लेंगे और अब हम इसमें ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। एक प्याली धनिया, आधी प्याली पुदीना, चार हरी मिर्चें, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक ज़रूरत के हिसाब से, और अदरक लेंगे हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी हरी चटनी भी रेडी हो चुकी है। इसी ग्रीन चटनी के साथ मैं आप लोगों को रायता भी बनाना सिखाती हूँ। तो चले चलते बनाते हैं हम लोग रायता। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीन चम्मच योगर्ट, जिसे हम लोग उर्दू में दही कहते हैं, तीन बड़े चम्मच दही ले रही हूँ। इसी के साथ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, ज़्यादा नहीं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा, और नमक भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसी के साथ लेंगे ये जो हमने अपनी ग्रीन चटनी अभी अभी से रेडी की थी, बड़े दो चम्मच लेंगे। ये रायता है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ चाट में, तो इसलिए मैंने ग्रीन चटनी, जिसे हम लोग हरी चटनी कहते हैं, दो चम्मच लिए हैं। अगर आप नॉर्मल घर में जैसे चावलों के साथ या वैसे रोटी वगैरह के साथ रायता सर्व करेंगे तो आप लोगों ने ये ग्रीन चटनी के तीन चम्मच लेने हैं। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और तब तक मिक्स करना है जब तक ये हमारी जो रायता है जो स्मूथ से फॉर्म में ना आ जाए। तो ये लीजिए, हमारा रायता भी रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे स्पेशल चाट मसाले की तरफ, जो कि मैं रेडी करने वाली हूँ। क्रश चिली, चाट मसाला, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, आधा चम्मच काली मिर्चें, इसी के साथ एक छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच लाल मिर्चें पिसी हुई, और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच चाट मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा स्पेशल चाट मसाला भी है जो रेडी हो गया। देखा कितना इजी था ये मसाला बनाना। तो चले चलते हैं अब हम अपनी असेंबलिंग की तरफ।
मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो बॉइल चने और इसी के साथ थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा प्याज, उबले हुए आलू, दो बड़े चम्मच रायता, एक बड़ा चम्मच हरी चटनी और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच इमली की चटनी, दो बड़े चम्मच स्पेशल चाट मसाला के। और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच मीठी दही। दही में मैंने चीनी मिक्स की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको स्मूथ सा बना लिया। और इसी के साथ हमारी जो पापड़ी है, जो स्पेशल हम लोग चाट में डालते हैं क्रिस्पी सी, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग ये जो चटनी वगैरह है, मसाला वगैरह, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने इसको नॉर्मल उसमें लिया है। हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, मिक्स हो गई अच्छी तरह से, और ये हमारी जो चाट है वो भी रेडी है, इट्स रेडी टू सर्व। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प करें मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, प्लीज यार दोस्तों मेरे, आप सब लोग, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे मेरी एक नई वीडियो के साथ और एक छोटी सी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।